आयुर्वेद नगरी जामनगर वैश्विक फलक पर चमकशे। डब्ल्यूएचओ ना ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर नु खातमुहूर्त थशे। पीएम मोदी ना हस्ते आजे खातमुहूर्त कराशे। पारंपरिक दवाओना संशोधन थी 180 देशों ने लाभ मळशे। 35 एकर जमीन में जीटीएमसी नु निर्माण थशे। वर्ष 2024 सुधी आ सेंटर नु काम पूर्ण करवानु आयोजन छे। मॉरिशियस ना प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ पण खास उपस्थित रहेवाना छे। डब्ल्यूएचओ ना महानिर्देशक डॉक्टर ट्रेडोस पण खास उपस्थित रहेशे। केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवियानी पण उपस्थिति हशे। आयुष विभाग ना केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल पण ते कार्यक्रम में उपस्थित रहेवाना छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी द्वारा जामनगर खाते डब्ल्यूएचओ नु जे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन नु उद्घाटन थवा जई रह्युं छे, त्यारे आ कार्यक्रम मां मात्र ने मात्र 2000 व्यक्तिओने ज आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। एमाना ईटाना जामनगर एटले के ईटाना जामनगरना केन्द्रना जे विद्यार्थीओ छे तेनो पण समावेश करवामां आव्यो छे। आपणी साथे विद्यार्थीओ छे, तेने ज पूछू आ कार्यक्रमने लईने शुं आप कहेशो, केटलो आनंद? आनंद तो घणो बधो, केम के आवतीकालनो जे कार्यक्रम छे जामनगरनी अंदर थवा जई रह्यो छे, अने ए कार्यक्रमनी अंदर माननीय डब्ल्यूएचओ ना डायरेक्टर जनरल श्री तथा 19 देशना ब्रांड एम्बेसेडर तथा 2 देशना वडाप्रधान तेमां भाग लेवाना छे। आ तके मात्र 2000 लोकोनी ज व्यवस्था छे, छतां पण अमारा जे संस्था छे तेमना बधा विद्यार्थीओने तेमां समावेश करवामां आव्यो छे। आ तके हुं बहु हर्षनी लागणी अनुभवुं छुं तथा बधाने शुभेच्छा पाठवुं छुं। આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી જામનગરમાં હતી, જામનગરનું નામ વિશ્વ સ્તરે હતું, હવે વધુ એક પીછોગું ઉમેરાણું છે, શું કહેશો? ઓકે, સૌથી પહેલા તો આ સૌથી આનંદ અને ગૌરવની વાત છે। જામનગરની જે આ યુનિવર્સિટી છે ને, પહેલા તો હતી જ ઓલરેડી, ત્યારે બી નામ હતું જ, પણ અત્યારે વધુ નામ એટલા માટે થઈ ગયું છે કે વૈશ્વિક સ્તરે એ જઈ રહ્યું છે। તો જે નથી જાણતા એના માટે બી આ જાણવાની વધુ એક તક છે, અને વિદ્યાર્થીઓ માટે તો ખાસ, કેમ કે વિદ્યાર્થીઓને ફ્યુચર એના માટેનું જે શંકાઓ હતી બધાનું સમાધાન થઈ જશે આ જે કેન્દ્ર સ્થાપિત થવાથી। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। આપણી સાથે અન્ય એક વિદ્યાર્થી જોડાયેલા છે। ડબ્લ્યુએચ કચો કેન્દ્ર બનને જા રહા હે, આપ કિસ તરહ સે દેખ રહે હો? ये जो केंद्र यहाँ बनने जा रहा है, सबसे पहले तो ये हम सभी के लिए पूरे गौरव की बात है, ना सिर्फ जामनगर के लिए, ना सिर्फ गुजरात के लिए, जबकि बल्कि हमारे पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे आयुर्वेद को, यानी हमारी परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है, उसको वैश्विक स्तर पर एक जो है महत्व मिल रहा है। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, और इससे हमारे आयुर्वेद का और विकास होगा। लोग उसको जानेंगे, अभी भी जानते हैं, लेकिन अब और ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। न सिर्फ जामनगर परंतु गुजरात, भारत और विश्व स्तरे जामनगर चमकते, मात्र ने मात्र आ केन्द्र। नथुरामड़ा, वीटीवी न्यूज, जामनगर।